दोस्तों, राजमा बनाते वक्त आपको मिक्सी की ज़रूरत होती है, आपको चीज़ों को पीसना होता है, मसाला भुनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज इस रेसिपी में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। कटिंग चॉपिंग एकदम सिंपल है, ज़्यादा ना काटना है, ना ज़्यादा मेहनत है, और प्रेशर कुकर आपका सारा काम कर देगा। वो कैसे, ये आप इस वीडियो में देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले गैस पर कुकर चढ़ाना है। और मैंने यहाँ पर इस रेसिपी में दोस्तों सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आप सरसों का तेल नहीं यूज करना चाहते तो आप मूंगफली का तेल, बटर, घी, जो आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सरसों के तेल से स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप यहाँ पर सरसों का तेल गरम करने के लिए रखना, और उतनी देर में हम इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। ज्यादा कटिंग चॉपिंग नहीं करनी है आपने, आप खुद ही देखना क्या करना है। आप एक पूरी लहसुन लेना और उसको छिलकर, काटना मत, ऐसे ही यूज कर लेना। दो प्याज मैंने यहाँ पर लिए हैं और उनको एकदम मोटा मोटा काटा है दोस्तों। हाँ, लेकिन काटने के बाद उनको अलग अलग जरूर कर लेना, ताकि आपको पकाने में आसानी हो और फ्लेवर भी एकदम बैलेंस्ड हो। और इतनी देर में आपका तेल गरम हो जाएगा, तो गरम तेल में आप सबसे पहले थोड़े से खड़े मसाले डालना। मैंने सारे स्क्रीन पर लिखे ही हैं, हाँ, लेकिन इन खड़े मसालों में बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके राजमा की खुशबू एनहांस करेंगी। तो मसाले जैसे ही थोड़े से तिड़कने शुरू हो जाएं, फिर आप यहाँ पर लहसुन डालना पूरी पूरी, और लहसुन को हल्का सा रोस्ट करते ही आप यहाँ पर प्याज डाल देना। इस रेसिपी में दोस्तों आपको प्याज को ज्यादा पकाना ही नहीं है, ज्यादा भुनाई करनी ही नहीं है, बस हल्का सा प्याज का कलर बदलना है, और मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे वो करने में। अगर आपने यहाँ पर प्याज ज्यादा भुन दिया ना दोस्तों, तो प्याज प्रेशर कुकर में गलेंगे ही नहीं और आपको वो टेक्सचर ही नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे, ज्यादा मत भुनना, हल्का सा ही कलर लेना। जैसे ही प्याज में कलर आ जाएगा तो आप यहाँ पर हल्दी पाउडर डालना, स्पाइसी वाली लाल मिर्च डालना और कश्मीरी लाल मिर्च डालना, और यहाँ पर इन मसालों को आपको थोड़ा सा भुनना है प्याज और लहसुन के साथ। तो जब तक आपके मसाले भुन रहे हैं, तब तक आप बाकी कटिंग चॉपिंग कर लो। यहाँ पर मैंने 2 इंच तक अदरक ली है और उसको घिस लिया है। आप यहाँ पर हरी मिर्च का यूज करना, चाहे आप मेरी तरह काट के डाल सकते हो या पूरी पूरी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। आखिर में 4 टमाटर लिए हैं, और टमाटर को आपको ना ही प्यूरी बनानी है, ना ही छोटा छोटा काटना है, बस आधा कट करना और काम खत्म। अब कुकर में इतनी देर में आपका मसाला भी भुन जाएगा, तो इस भुने हुए मसाले में अब आप यहाँ पर डालना घिसी हुई अदरक, हरी मिर्चें, और ये है धनिया की डंठल, और इसके साथ साथ मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। और आपको तो पता ही है, जब टमाटर आएंगे तो आपने नमक डालना है, और उसके साथ साथ आप धनिया पाउडर भी डाल देना इसी टाइम पर। और अब आपको टमाटर भुनने हैं? नहीं 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 दोस्तों, ये सारी चीजें बस आपने अच्छे से मिलानी है, और फिर थोड़ा सा पानी डालना है, ज्यादा पानी मत डालना। अगर इस स्टेज पर आप ज्यादा पानी डाल दोगे तो आपको बाद में बहुत ज्यादा कुकिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए 1/4 कप यहाँ पर काफी होगा। पानी डालकर बस आप ढक्कन लगाना, प्रेशर कुकर की सीटी फिट करना, और सिर्फ 3 सीटी लगाना हाई फ्लेम पर, और बहुत जल्दी ये ठंडा भी हो जाएगा पूरी तरीके से। जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो आप ढक्कन खोलना, और फिर आप देखना कि क्या होगा, ग्रेवी पूरी तरीके से बन जाएगी। नहीं नहीं दोस्तों, सबसे पहले आप टमाटर के जो छिलके हैं ना, उनको अलग कर देना, बहुत आराम से ये निकल जाएंगे, और फिर आप टमाटर देखना एकदम सॉफ्ट और अच्छे से पक चुके होंगे। रही बात लहसुन की, तो वो तो बिल्कुल मलाई हो चुकी होगी, और प्याज भी अच्छे से गल चुके होंगे। तो अब आपने करना ही है कि गैस ऑन करनी है, हाई फ्लेम पर रखना है, और यहाँ पर सारा पानी उड़ाना है। और इसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने एक ऐसी करछी ली है, ये देखो, जिसका बैक साइड ऐसी हो, ताकि जब मैं इसको घुमाऊं तो पूरी ये प्यूरी सी बन जाए। और ये करने से पहले आप जितने खड़े गरम मसाले हैं ना, उनको निकाल लेना, क्योंकि वो अपना काम कर चुके हैं, वो तेल में अपना फ्लेवर छोड़ चुके हैं, खुशबू अच्छे से दे चुके हैं। तो इनको आप एक करके निकाल लेना हाई फ्लेम पर। आप जब पकाना शुरू करोगे तो पानी भी बहुत जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और वैसे भी मैंने आपको बोला ही था कि ज्यादा पानी बिल्कुल मत डालना। और अच्छे से जब आप करछी को चलाओगे ना, तो सारी चीजें अपने आप ही एकदम मैश हो जाएंगी दोस्तों। ये देखो, मुश्किल से आपको 4-5 मिनट लगेंगे और आपका मसाला बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चाहते हो कि राजमा में बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आए, बस इस स्टेज तक आपको पकाना है कि तेल जब अलग होना शुरू हो जाए, और देखते ही देखते आपको प्यूरी भी मिल जाएगी। ना ज्यादा कटिंग चॉपिंग की जरूरत है, ना ही मिक्सी की जरूरत है ना, कितना बढ़िया दोस्तों। सीधा ही अब आप यहाँ पर भीगे हुए राजमा डालना। मैंने 1 कप राजमा डाले हैं, और मैंने यहाँ पर चित्रा राजमा का इस्तेमाल किया है। ये जल्दी से गल जाते हैं, और पंजाबी स्टाइल अगर आपको राजमा बनाने हैं तो उसके लिए एकदम परफेक्ट रहते हैं।
राजमा डालने के बाद सीधा ही आप पानी डालना और पानी मेरे कहने पर थोड़ा ज्यादा डालना। अभी आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। लेकिन पानी डालने के बाद आप नमक डालना राजमा के लिए, गरम मसाला, खटास देने के लिए थोड़ा सा आमचूर, कसूरी मेथी और एंड में काली मिर्च। बहुत फ्लेवर एनहांस करती है दोस्तों ये काली मिर्च। बस सारी चीजों को आप मिलाना और सीधा ही यहाँ पर ढक्कन लगा देना। अगर आपके राजमा 6 से 8 घंटे तक भीगे हुए हैं तो 4 सीटी एकदम लो फ्लेम में आपके राजमा बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे दोस्तों। ध्यान रहे एकदम लो फ्लेम पर सीटी देना, तभी राजमा एकदम मलाई बनकर आते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि पहले ज्यादा पानी डालना राजमा उबालते वक्त। ऐसा इसलिए बोला था दोस्तों क्योंकि अगर आप कम पानी डालोगे तो राजमा को मूवमेंट की जगह नहीं मिलेगी और वो फट जाएंगे। जितनी ज्यादा मूवमेंट की जगह होगी उतने वो खड़े खड़े रहेंगे और सही से बनेंगे। अगर आपको तरी ज्यादा पसंद है तो पानी तो ज्यादा है ही, लेकिन अगर आपको गाढ़े राजमा पसंद है तो आप आराम से 5 मिनट जब पकाओगे तो पानी रिड्यूस हो जाएगा और आपको एकदम गाढ़े गाढ़े राजमा मिल जाएंगे। तो 4 सीटी के बाद दोस्तों जब प्रेशर कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, जब आप ढक्कन खोलोगे ना तो एकदम परफेक्ट बढ़िया से राजमा आपको मिलेंगे। आप देखो अभी थोड़ी सी तरी पतली है ना, लेकिन देखते ही देखते जैसे ही हल्के से ठंडे होंगे तो तरी भी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। और राजमा कैसे बने हैं दोस्तों, एकदम मलाई, मतलब हल्का सा भी प्रेस करोगे ना तो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। और वैसे ही तो राजमा अच्छे लगते हैं, है ना। आप दोस्तों ये जीरा राइस के साथ खाना और सच में आपका दिल ही खुश हो जाएगा कि यार किचन में ज्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ा, प्रेशर कुकर ने ही सारा काम कर दिया, है ना दोस्तों, एकदम अमेजिंग। ये प्रेशर कुकर वाला मेथड इजी है ना दोस्तों, और इसी तरीके से आप छोले, दाल, ना जाने क्या क्या चीजें बना सकते हो, और वो देखने के लिए आप ये वाली वीडियोस देखना, आपके बहुत काम तो आएगी ही और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाना भी बहुत टेस्टी बनेगा।